सभी बच्चों को मेरा नमस्कार आज क्लास नाइन्थ एन सी आर टी एक्सरसाइज वन पॉइंट थ्री मैथमेटिक्स का जो इंट्रोडक्शन वीडियो हमने बना दिया था समझा दिया था और इस एक्सरसाइज में पहुंचने के पहले थोड़ी सी बातें उस एक्सरसाइज के हम कर लेते हैं उसमें क्या क्या हमने बताया था देखिए हमने कहा कि जैसे आपको कोई नंबर ऐसा लिखना हो देखिए हम बता चुके हैं उसका उस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे इस वीडियो को देखने के पहले आपको उसे देखना ही पड़ेगा ठीक है आते है। जैसे मैंने कहा कि मान लिया कि टेन अपान थ्री आपसे कहा जाए कि भाई ये क्या लिखा हुआ है इसको डिवाइड करके बताओ पॉइंट में लिखो डेसिमल में लिखो दशमलव में लिखो तो आपने कहा भाई इसको थ्री पॉइंट थ्री 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 टिक 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 अमेरिका तक चला जाएगा लेकिन कभी भी वैल्यू खत्म नहीं होगी तो ऐसे डेसिमल को कहा जाता है जो कभी खत्म ना हो खत्म होने को कहा जाता है टर्मिनेट हो जाना नहीं किसी को नहीं नौकरी से बर्खास्त कर देना टर्मिनेट हो गया तो बर्खास्त वर्ड तो नहीं यूज करेंगे इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग या दू और रिकरिंग भी है रिकरिंग डेसिमल हमने पिछले वीडियो में इसको हमने बता दिया था है ना इसको कहा गया था नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल या अनावसानी अनवसानी आवर्ती दशमलव है ये हमने एक तो नंबर बताया एक एग्ज़ाम्पल ये था कि भाई मान लीजिए आपको दे दिया जाए सात बटे आठ और इसको डिवाइड करना है तो डिवाइड करके इसकी वैल्यू क्या आएगी पॉइंट एट सेवन फाइव ज़ीरो पॉइंट एट सेवन फाइव ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा भाग हो जाएगा और एक ऐसी स्टेज आएगी कि उसका शेष फल जिसको रिमाइंडर कहते हैं वो जीरो हो जाएगा तो यानी ये टर्मिनेट हो गया खत्म हो गया तो इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल या शांत दशमलव कहा जाता है शांत दशमलव वो शांत वाला नहीं होता है साइलेंट वाला ये शांत जो एक लिमिट के बाद समाप्त हो जाए ये शांत होता है और कुछ नंबर ऐसे होते हैं अच्छा इसको ये बताया गया था कि भाई आप थ्री पॉइंट जो नंबर रिपीट हो रहा हो ना उस पर बार लगा दीजिए ठीक है और इसको पी एफ आन क्यू के फार्म में लिखा जा सकता है इसके बारे में हमने थोड़ा बहुत एक आध एग्जाम्पल शायद बताए थे हमको याद नहीं है उसको देख लीजिएगा उसमें बताया गया है ठीक है अच्छा कुछ दशमलव ऐसे होते हैं पॉइंट वन वन ज़ीरो वन 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 ज़ीरो वन 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 जीरो 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 वन 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 ये कभी अशांत हो जाएंगे कभी शांत ही नहीं होंगे ठीक है तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है ठीक है इसके बारे में इसको अना अनावसानी और टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है ये तो कभी ख़त्म नहीं हो रहे हैं इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग है राइटिंग थोड़ा गंदी है तो अब उसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते हैं और नॉन रिकरिंग है ये बार बार रिपीट भी नहीं हो रहे हैं इसको आप कहेंगे अनावसानी अनावर्ती भाई जो ख़त्म ना हो उसको अनावसानी और जो आवर्ती न हो आप जानते हैं हिंदी में आ लगा दो हैं तो उल्टा हो जाता है तो ये हो जाता है अनावसानी और अनावर्ती दशमलव तो इसके बारे में हम बात कर चुके थे इसका इंट्रोडक्शन जो परिचय वाला वीडियो था वो हमने अपलोड कर रखा है शायद कुछ लड़कों ने देखा भी होगा इस एक्सरसाइज में पहुंचने के पहले आप उस उस वीडियो को देखना ज़रूरी होगा अब हम आपकी एक्सरसाइज पे आते हैं एक्सरसाइज 1.3 उसमें इंट्रो लिखा था इसमें इंट्रो गायब है इंट्रो हम बता चुके हैं इंट्रो मतलब इंट्रोडक्शन ठीक है चलिए एक साइज़ खोलिए वन पॉइंट थ्री कुछ बच्चों ने हमको परसों किया था कमेंट में कि हिंदी में पढ़ाइए देखिए हिंदी और इंग्लिश चूँकि होता क्या है कि हिंदी में अलग वीडियो बनाएं इंग्लिश में अलग बनाएं या तो प्योर इंग्लिश बोलें व्हाट आई व्हाट आर यू डूइंग व्हाई आर यू डूइंग आर यू आई हु आई माई ऐसा बोलें तो हम मिक्स कर देते हैं जो टर्मिनोलॉजी है भाई मैथमेटिक्स में क्या होगा टू और टू को ऐड करेंगे तो करेंगे वर्ड हमने यूज किया तो हिंदी वाले भी जानते हैं इंग्लिश वाले भी जानते हैं ना तो जो टर्मिनोलॉजी है मैथमेटिक्स की जो मेन टर्म्स हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में यूज हम कर रहे हैं और मिक्स लैंग्वेज है समझ में आ जाएगा अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है तो उसी वीडियो के कमेंट में आप लिख दोगे तो नेक्स्ट वीडियो में उसको हम शामिल कर देंगे ठीक है ओके अब आते हैं एक्सरसाइज पे एक्सरसाइज वन पॉइंट थ्री बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें छोटे छोटे नन्हे मुन्ने क्वेश्चन है ध्यान से समझिएगा पहला क्वेश्चन अब हम पढ़ेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप अपने हिसाब से समझ लीजिएगा हिंदी वाले हिंदी में देख लें पहला कहा राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज निम्न भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक दशमलव का प्रसार कैसा है आप जानते कोई जी डिवाइड करते कैसे पॉइंट के रूप में लिखते हैं जैसे पहला पार्ट आपसे कह रहे हैं 36 को कह रहे हैं कि आप हंड्रेड से डिवाइड करो अच्छा टेन से डिवाइड करना हंड्रेड से डिवाइड करना तो आप बचपन से पढ़ते आए हैं कि अगर आपको थ्री को टेन मानी थर्टी फाइव सेवन है टेन से डिवाइड करना है तो कुछ मत करिए आप डिवाइड का साइन मत लगाओ भाग भाग का आप ये जो दस हट जाएगा और एक डिजिट बाद ये डेसिमल आ जाएगा दशमलव आ जाएगा मालूम है ना अगर हंड्रेड से डिवाइड करना है तो ये वाली चीज बदल जाएगी पॉइंट अंकों बाद से बना जाएगा तो यानी कि इसको हमको अलग से डिवाइड लिखने की जरूरत नहीं है डेसिमल दो डिजिट बाद आ जाएगा जीरो पॉइंट थ्री सिक्स पॉइंट के पहले अगर कोई नंबर नहीं होता है अगर दशमलव के पहले कोई नंबर है तो आप जीरो बढ़ा देंगे जीरो पॉइंट थ्री सिक्स आएगा अब बताओ पूरा का पूरा खत्म हो गया ना डिवाइड करने से रिमाइंडर तो नहीं बचाना पूरा पूरा कट जाएगा ना और पूरा पूरा कट जाता है तो इसको क्या कहते हैं अब आप कहेंगे इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं हिंदी में इसको शांत दशमलव कहते हैं शांत कहते हैं ठीक है सेकेंड पार्ट आपसे क्या कह रहे हैं वन अपान एलेवन अब भाई यहाँ तो डिवाइड करना पड़ेगा है ना और डिवाइड करके देखना पड़ेगा क्या होगा ये डिवाइड फेयर वर्क होगा ये फेयर में अब फेयर वर्क होगा अब ये तो हिंदी वाले भी समझ गए होंगे इंग्लिश वाले समझ गए होंगे इसलिए उसमें कन्फ्यूज़ ना होइए अब देखो एलेवन को हम एलेवन से वन को डिवाइड कर रहे हैं क्या होता है जीरो नहीं जाएगा तो पॉइंट लेंगे और जीरो खिलाएंगे फिर भी नहीं जाएगा ज़ीरो खिलाएंगे जीरो खिलाएंगे एलेवन नाइन जा नाइनटी नाइन एक बचेगा आप समझ में आ गई बात फिर वही एक बच गया फिर जीरो खिलाएंगे फिर नहीं जाएगा फिर जीरो खिलाएंगे फिर ज़ीरो खिलाएंगे फिर नाइन लिखेंगे फिर नाइन्टी नाइन फिर एक बचेगा नहीं जाएगा जीरो खिलाएंगे फिर ज़ीरो खिलाएंगे फिर ज़ीरो खिलाएंगे नाइन लिखेंगे नाइन्टी नाइन फिर एक बारह बच रहा है ना तो आपको क्या दिख रहा है ये डिवाइड करने से क्या रहा है ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो नाइन ज़ीरो नाइन जीरो नाइन टिक 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 तो हमने क्या बताया था जो नंबर रिपीट हो रहा है ना जो बार बार आ रहा है उसके ऊपर आप एक बार खींच दीजिए बार मतलब बाल नहीं ये बार होता है ठीक है उसको बी ए आर बार कहते हैं अब ये कैसा है एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है ठीक है ये डिवाइड कर लिया होगा आपने इसको रब कर देते हैं अरे ईशाई लिखे दे रहे हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग जो खत्म हो जाए वो टर्मिनेट हो गया ठीक है और जो ना हो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है ना और बार बार रिपीट हो रहा है इसलिए इसको रेकरिंग डेसिमल कहते हैं हिंदी में क्या कहेंगे इसको अनावर्ती ये रिकरिंग का होता है आवर्ती आवर्ती बार बार रिकर हो रहा है और ये अवसानी अवसानी और आवर्ती दशमलव ठीक है बार बार हिंदी नहीं लिखेंगे हैं बोल देंगे अनावस अने अनावसानी होता सॉरी उल्टा बोल गए हम अनावसानी है अनावसानी 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 हाँ और आवर्ती दशमलव है? लाओ। ठीक है दस श्यामल ला ठीक है राइटिंग थोड़ा गंदी है तो ये आपका सेकेंड पार्ट हो गया देखिए फोर थर्ड पार्ट क्या करा था फोल होल नंबर वन बाई एट चार सही एक बटे आठ इसको पहले तो मिक्स में लिखा है इसको कैसे क्या तरीका होता है इसका इसका मल्टीप्लाई करते हैं गुणा करते हैं उसमें एक प्लस करते हैं तो आठ सौ बत्तीस एक तेतीस थर्टी थ्री बाई एट होगा थर्टी थ्री बाई एट को डिवाइड करने का तरीका आपको मालूम ये हम नहीं बता रहे कैसे डिवाइड किया गया है तो इसको जब डिवाइड किया हमने तो आ गया फोर पॉइंट वन टू फाइव अब देखो लास्ट में जो आपका रिमाइंडर है ना वो जीरो आ गया सेल जीरो आ गया यानी अब इसके बाद ये कुछ नहीं जाएगा ना कंप्लीट हो गया तो जब खत्म हो गया दशमलव खत्म मतलब नंबर खत्म तो उसको हम क्या कहते हैं खत्म होने को हिंदी में हमने क्या कहा इंग्लिश में टर्मिनेट कहा ना तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है कैसा है टर्मिनेटिंग और हिंदी में शांत दशमलव शांत डेसिमल है ना समझ में आ रही होगी बात तो ये आपका थर्ड पार्ट हो गया देखिए फोर्थ पार्ट कह रहा थ्री अपॉन थर्टीन देखो हमने थ्री को थर्टीन से डिवाइड किया डिवाइड करना आपको आता है लेकिन समझ लीजिएगा थ्री से डिवाइड किया अब आप कहेंगे अच्छा बेटा पहले से डिवाइड करके लिख दिया अरे ठीक है डिवाइड करके लिखा टाइम बचाने के लिए थ्री से जाएगा नहीं पॉइंट खिलाया एक जीरो आएगा तेरा दुनी छब्बीस तीस में छब्बीस गया चार एक जीरो किराया चालीस तेरतिया उनतालीस माइनस किया तो दस आया एक आएगा ना उनतालीस चालीस उनतालीस गया एक, गया एक देखो दशमलव के बाद डेसिमल के बाद एक जीरो आप बढ़ा सकते हैं एक जीरो बढ़ाया तो टेन आ गया अब टेन आने के बाद वो तो थर्टीन से नहीं कटेगा तो एक जीरो यहाँ बढ़ा दिया और एक जीरो और बढ़ा दिया हंड्रेड हो गया तो थर्टीन तो सेवन जा नाइनटी वन कर दिया तेरा सत्तर इक्यानबे नौ बचा नब्बे बारह एक सौ बीस तिर एक सौ सत्रह फिर तीन तो वो तो फिर तीन आ गया ना यहाँ तीन था ये तीन फिर आ गया फिर आप जीरो करोगे फिर दो ते, तेरह छब्बीस आएगा फिर आगे बढ़ाओगे तो ये नंबर बार बार रिपीट होगा तो ये नंबर क्या आएगा जीरो प्वाइंट टू थ्री जीरो सेवन सिक्स नाइन आने के बाद में यहां देखो तो थ्री फिर आ गया और थ्री से ही तो स्टार्ट किया था ना आपने आपका पहले डिवाइड तो थ्री तो ही था यहाँ पर है ना तो यानी कि आप फिर जीरो करोगे जैसे यहाँ जीरो किया था तो नंबर वही बार बार रिपीट होंगे ना तो इसके ऊपर क्या लगा दो बार लगा दोगे यानी कि खत्म तो नहीं हुआ ना होगा इसको क्या कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग जो खत्म ना हो वो नॉन टर्मिनेटिंग यानी अनवसानी अनवसानी लेकिन रिपीट हो रहे हैं तो एंड रिकरिंग डेसिमल रिकरिंग डेसिमल अनवसानी और आवर्ती दशमलव हो जाएगा आवर्ती ठीक है ये नाम आपको एक बार लिखोगे बार बार याद हो जाएंगे ना तो ये आपका हो गया फोर्थ पार्ट अब टू अपॉन अलेवन है दो को अलेवन से डिवाइड करो ग्यारह से भाग करो आप डिवाइड करो को भाग करो कहते हैं जानते हैं आप ठीक है दो नहीं जाएगा तो पॉइंट खिलाएंगे जीरो खिलाएंगे ग्यारह एक कम ग्यारह नौ आएगा नब्बे ग्यारह अट्ठासी दो आएगा देखो दो था दो फिर आ गया फिर बीस आ गया ग्यारह इक्कम ग्यारह फिर नौ नब्बे ग्यारह अट्ठासी फिर दो तो आप क्या देख रहे हैं बार बार वन एट, वन एट वन एट वन एट बार बार रिपीट होगा ना तो इसको क्या ले सकते हैं वन एट का बार याद करिए नाम क्या आप लिखते हैं अभी लिख चुके हैं आप इसके पहले वाले में ऐसे वही नाम लिखेंगे हम इसका नाम नहीं लिख रहे हैं चाहे आप जो कहो अपने आप लिखो ठीक है अब देखिए ये कह रहे हैं थ्री ट्वेंटी नाइन अपन फोर हंड्रेड करिए जरा ध्यान समझिएगा हम फोर हंड्रेड से डिवाइड कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे पहले हम पहले यो हंड्रेड है ना इसको गायब करो कैसे गायब करोगे दो अंकों बाद डेसिमल लगा दो थ्री पॉइंट टू नाइन और बटे चार कर दो चलेगा का एक होता चार सोचिए डिवाइड करेंगे अब इसको चार से भाग कर दो थ्री पॉइंट टू नाइन को चार से डिवाइड करो अब जरा समझिएगा तीन जाएगा नहीं तो जीरो खिला देंगे और पॉइंट खिला देंगे क्योंकि पॉइंट आ गया ना डिवाइड करना आता है जब ये पॉइंट खिला दिया तो इस पॉइंट का काम फिलहाल खत्म हो गया खत्म मतलब ये नहीं कि इसको आप गायब ऐसे कर दोगे बोले खत्म हो गया तो हटाओ इसको नहीं ऐसा नहीं है अब क्या होगा चार सतह अट्ठाईस चरवठ बत्तीस बत्तीस आएगा ये कट गया नौ उतारा चार दुनी आठ एक दस दशमलव लग चुका है ना डेसिमल लग चुका है आपने जीरो उसमें पॉइंट बढ़ा देना कि एक और डेसिमल बोले जीरो बढ़ाया तो पॉइंट बढ़ाओ पॉइंट के बाद एक जीरो अपने आप बढ़ाने की छूट है आपको जैसे अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने एक जीरो बढ़ाया था टेन आया था और थर्टीन से डिवाइड कर नहीं हो पा रहा था तो एक जीरो और बढ़ाना पड़ा तो वहाँ भी बढ़ाया और नीचे ही बढ़ाया। नहीं, भी बढ़ाया अभी थर्टीन वाला किया था तो चार दूनी आठ फिर चार दो आए सॉरी एक आए वहाँ चार दूनी आठ दो चार पंचे बीस कट गया ना पूरा डिवाइड सही आ रहा है ना तो पूरा पूरा ये कितना आ गया जीरो पॉइंट एट टू टू फाइव जब पूरा पूरा कट जाता है उसको क्या कहते हैं हम नहीं बताएंगे पहले क्वेश्चन में ही कहा था पहले पार्ट में टर्मिनेटिंग और शांत शांत दशमलव ठीक है तो ये पहला क्वेश्चन हो गया एक क्वेश्चन दिया है कि भाई वन अपान सेवन की ये वैल्यू होती है पॉइंट वन फोर टू एट फाइव सेवन बार बार रिपीट होगा और वन अपान सेवन अगर आप करके डिवाइड करके देखोगे तो ही आएगा ठीक है मतलब ये जब सेवन सात से, से डिवाइड करोगे वन को ना तो वन फोर टू एट फाइव सेवन फिर वन फोर टू एट फाइव सेवन बार बार रिपीट होगा तो क्वेश्चन कह रहा है कि यू नो दिस वैल्यू ये आप वैल्यू जानते हैं तो कैन यू प्रेडिक्ट वॉट इज द डेसिमल एक्सपेंसन ऑफ कुछ और दिया हुआ है विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिविजन कहते मान लिया आप टू अपॉन सेवन निकालना चाहते हैं आप डिवाइड नहीं करना चाहते ये वैल्यू आपको मालूम है आप थ्री अपान सेवन निकालना चाहते हैं डिवाइड नहीं करना चाहिए डिवाइड कर, नहीं करना है आपको इस वैल्यू का इस्तेमाल करना है आप फोर अपान सेवन निकालना चाहते हैं फाइव अपान सेवन निकालना चाहते हैं सिक्स अपान सेवन निकालना चाहते हैं सेवन अपान सेवन तो वन हो जाएगा ना तो क्या आप इसकी वैल्यू बता सकते हैं आप कह कहा बता सकते हैं कैसे उन्होंने डिवाइड नहीं करना नहीं डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे अरे ये आंसर खोल लेंगे उठा कर रख देंगे आपको क्या मालूम कैसे किया जी नहीं मुझे मालूम है देखिए इसको ध्यान से समझिएगा इसको टू इंटू वन अपन सेवन लिख सकते हो लिख सकते हो ना लिखा तो वही है मल्टीप्लाई में ऊपर ऊपर का गुणा हो जाता है ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होता है यही तो आएगा और टू इन टू लिखा रहने दो और इसकी वैल्यू क्या है जीरो पॉइंट वन फोर टू एट फाइव सेवन बार है ना आप इसको टू से मल्टीप्लाई कर दो एज इट इज जैसे लिखा है कितना आएगा दो सौ चौदह आएगा एक दो पंचीदस से ग्यारह आएगा दो और सोलह एक सत्रह आएगा दो दूसरी चार एक पाँच आएगा दो चौको आठ आएगा दो एक कम दो आएगा जीरो पॉइंट इससे बार लग जाएगा बस आपको मल्टीप्लाई करते रख देना है कुछ नहीं करना है ठीक है मल्टीप्लाई करना आपको आता होगा है है ही आपको ठीक है एक बार मिला दिया जाए पॉइंट टू एट फाइव सेवन वन फोर ठीक है इसको क्या करेंगे इसको थ्री इन वन अपान सेवन लिख दो तो थ्री को मल्टीप्लाई कर दो जीरो पॉइंट वन फोर टू एट फाइव सेवन बार और जो भी मल्टीप्लाई इसका है इसको फोर इंटू वन अपान सेवन कर दो तो फोर का मल्टीप्लाई किसे करो जीरो पॉइंट वन फोर टू एट फाइव सेवन बार जो भी इसका मल्टीप्लाई होगा है ना इसको क्या लिखोगे फाइव इंटू वन अपान सेवन फाइव को गुणा कर दो जीरो पॉइंट वन फोर टू एट फाइव सेवन बार जो भी इसका मल्टीप्लाई आएगा इसको सिक्स इंटू वन अपान सेवन कर दो सिक्स इंटू ज़ीरो पॉइंट वन फोर टू एट फाइव सेवन बार हम नहीं लिखेंगे बार बार एक बार लिख दिया है बार अब मल्टीप्लाई करना आपको आता है इसको मल्टीप्लाई करो जो भी वैल्यू आए डायरेक्ट लिख दीजिए ठीक है देखिए हमने ये मल्टीप्लाई करके लिख दिया है तीन से इसको गुणा कर दिया है और उसके ऊपर बार लगा दिया है ये हमने लिखा है रिजल्ट नोट कर लीजिए लेकिन नोट कर लीजिए मतलब ये नहीं आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे हमने अपना मल्टीप्लाई करके लिख दिया अब आपके सामने मल्टीप्लाई करते ये दो कम दो तीन तरह का नौ तो टाइम लगता तो ये एक तरीका है अब आप कहेंगे इसका मतलब क्या है मतलब ये कह रहे हैं नोट कर लिया ना फिर हम मतलब बताएं ठीक है देखो मतलब ये कह रहे हैं कि देखो भैया जैसे वन अपान सेवन की वैल्यू हमने आपको बता दी है और आपसे टू अपान सेवन पूछा है तो आप ये करना ना शुरू करो सात से डिवाइड कर दो दो को है पॉइंट ज़ीरो पॉइंट जीरो सात दुनी चौदह फिर छ आएगा साठ ये नहीं करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं करना है आपको इसका इस्तेमाल करना है इसलिए क्वेश्चन ऐसा है ठीक है ओके थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि आपके नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल दिए हुए हैं अनावसानी आवर्ती दशमलव इसको पी अपान क्यू के फॉर्म में लिखना है आपको हमने बताया था इसके पहले का जो इंट्रोडक्शन वीडियो है हमने कहा था जिसको करना है उसको एक्स मान लो क्या लिखा जीरो टिक, टिक, टिक। लिख तरीका सबके लिए है रिपीट हो 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 रहा हो, हो रहा हो, हो रहा हो, यही तरीका मतलब यही तरीका मतलब ये नहीं टू रिपीट हो रहा तो सिक्स लिखोगे ठीक है अब देखो तरीका क्या था ये जितने भी नंबर हैं सब रिपीट वाले हैं ना बार बार आ रहे हैं ना कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं एक नंबर रिपीट हो रहा है ना तो अगर एक नंबर रिपीट होगा तो एक पे एक जीरो यानी टेन से मल्टीप्लाई करोगे दो नंबर रिपीट हो रहे होंगे तो इतने से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग बाई टेन दस से गुणा करने पर दस से गुणा करने पर तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा टेन एक्स और यहां पर मल्टीप्लाई का तरीका क्या होता है कि जो डेसिमल है ना जो दशमलव है एक अंक खिसक जाता है तो आएगा सिक्स पॉइंट सिक्स 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 से कितने भी लिख सकते हो ये समीकरण नंबर दो हो जाएगा अब क्या हमने बताया था कि दोनों को माइनस कर दो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन वन एंड टू समीकरण एक और दो को घटाने पर हम क्या लिख रहे हैं ये देखने के साथ साथ ये देखो हम क्या बोल रहे हैं देखो हमने लिखा है सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन वन एंड टू हमने ये नहीं कहा है कि वन में से टू माइनस को हमने कहा एक और दो को माइनस कर दो किसी में किसको कर दो तो बड़े वाले को ऊपर लिखेंगे टेन एक्स को ऊपर लिखेंगे सिक्स पॉइंट सिक्स 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 टिक 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 और ये लिखे x बराबर जीरो पॉइंट सिक्स 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 टिक देखो ये कितने भी जीरो जितनी जरूरत हो उतनी लिखिएगा अगर ऊपर तीन है तो नीचे तीन लिख दो चार लिख दो पाँच लिख दो ठीक है अब दोनों को माइनस कर दो तो ये तो इधर नाइन एक्स आएगा और ये छः आएगा ये सब जीरो हो जाएगा काम खत्म तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई छः बटे नौ ये दोनों तीन से कट जाएंगे तो एक्स आएगा दो बटे तीन ठीक है दो बटे तीन की वैल्यू जीरो पॉइंट सिक्स 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 आएगी ये हमने तरीका बताया था जब एक नंबर रिपीट होता है इसी पहले वाले वीडियो में था समझ में आ गया होगा ठीक है अगला क्वेश्चन है जीरो पॉइंट फोर सेवन बार देखो बार जो है ना सेवन पे लगा हुआ है ठीक है तो बार को हिंदी में बार ही बोलते हैं वो बाल वाला बार नहीं ये एरो वाला ये सॉरी ये जो लाइन कहते हैं इसका मतलब जिस पे लगा यही नंबर रिपीट हो रहा है तो एक्स इज इक्वल टू क्या होता है जीरो पॉइंट फोर सेवन 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 टिक 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 जा देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को लगाने की अलग अलग टीचर की अलग अलग मेथड है अलग अलग टीचर का अलग अलग मेथड है कि नहीं देखो तरीका क्या होता है जो हम बताते हैं वही तरीका सभी बताते हैं जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा है जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा है कौन नहीं हो रहा है फोर नहीं हो रहा है तो कोशिश करो कि फोर दशमलव के पहले आ जाए कैसे आएगा पॉइंट यहां लग जाए फोर के बाद कैसे लगेगा दस से मल्टीप्लाई कर दो लिखिए मल्टीप्लाइंग बाई टेन मल्टीप्लाइंग बाई टेन दस से गुणा करने पर हिंदी में लिख लोगे तो आएगा टेन एक्स इज इक्वल टू फोर पॉइंट यहां इसका रिपीट हो रहे हैं एक नंबर तो हमने कहा जब एक नंबर रिपीट होता है तो इससे गुणा करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर इसको मल्टीप्लाई टेन कर दो मल्टीप्लाइंग बाई टेन मल्टीप्लाइंग किसको क्या तो राइटिंग बड़ी गंदी है जल्दी लिखते हैं तो राइटिंग और गंदी हो जाती है मल्टीप्लाइंग इक्वेशन टू बाई टेन समीकरण दो को दस से गुणा करने पर तो क्या बन जाएगा हंड्रेड एक्स इज इक्वल टू एक पॉइंट जाएगा फोर्टी सेवन पॉइंट सेवन 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 अब ये बता ना बताना कि साहब यहां तो चार थे यहाँ पांच हो गए वो कितने भी बाद में आप खिला सकते हैं अब इन दोनों को माइनस कर दो सब्रैक्टिंग इक्वेशन टू एंड थ्री तो पहले हम बड़ा वाला लिखेंगे हंड्रेड एक्स इज इक्वल टू फोर्टी सेवन पॉइंट सेवन 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 टिक 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 और ये आएगा टेन एक्स इज इक्वल टू फोर पॉइंट सेवन 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 टिक 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 दोनों को माइनस कर दो इधर आएगा नाइन्टी एक्स इधर आएगा फोर्टी थ्री पॉइंट में जीरो हो जाएगा तो एक्स का माना आ गया फोर्टी थ्री अपॉन नाइन्टी ये फिलहाल कैंसिल नहीं होगा तो यही आपका आंसर हो गया इसका क्वेश्चन का मेथड कुछ टीचर अपने हिसाब तो से यहाँ चेंज करते हैं तो उसमें कंफ्यूज मत होना क्यों वो कहते हैं आप हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दो और ये पॉइंट को यहाँ लगा दो एक ही बार मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर इसको भी माइनस कर दोगे ना तब भी आ जाएगा अगर आप इसको इसको माइनस करोगे देखिए एक तरीका मैं बता रहा हूँ ये टेन एक्स लिखा हुआ है फोर पॉइंट सेवन 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 और ये एक्स लिखा हुआ है ज़ीरो पॉइंट फोर सेवन 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 तो देखो यहां नाइन एक्स हो जाएगा यहां फोर पॉइंट थ्री आएगा हो सकता है ये भी तो एक्स का माना जाएगा फोर पॉइंट थ्री अपॉन नाइन पॉइंट हटाओगे यहां जीरो आएगा तो फोर्टी थ्री पॉइंट नाइन्टी होगा बोले तरीका था तो को आपने मैथड गलत बताया लंबा बताया देखिए जब कभी नंबर दो यहां पर फिक्स होते ना जैसे यहां पर फोर और एट होता जो रिपीट ना हो रहा होता तो उसमें कंफ्यूजन हो जाता है इसलिए हमने तरीका ये बताया दोनों में कोई तरीका आप एडॉप्ट कर सकते हैं ठीक है क्वेश्चन है x इज इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन के ऊपर बार है तीन संख्या रिपीट हो रही है पहले तो इसको लिखेंगे कैसे x इज इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन जीरो जीरो वन जीरो जीरो वन डिंग 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 इक्वेशन नंबर वन अरे वाह कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं तीन तो तीन नंबर रिपीट हो रहे हैं तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे तीन जीरो बढ़ा देंगे मल्टीप्लाइंग बाई हंड थाउजेंड मल्टीप्लाइंग बाई थाउजेंड एक हज़ार से गुणा करने पर हिंदी में लिख लेंगे तो यहाँ क्या आएगा थाउजेंड एक्स इज इक्वल टू पॉइंट कहाँ लग जाएगा तीन अंकों बाद तो आएगा ज़ीरो जीरो वन पॉइंट जीरो जीरो वन जीरो जीरो वन टिक 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 ये क्वेश्चन नंबर टू हो गया अब क्या तरीका है दोनों को सप्ट्रेट कर दो सप्ट्रैक्टिंग इक्वेशन वन एंड टू समीकरण एक और दो को घटाने पर हमने एक में दो को घटाने पे नहीं बोला है किसी में किसी को आप माइनस कर सकते हो बड़ा वाला ऊपर लिख दो ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो जीरो वन ज़ीरो ज़ीरो वन टिक 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 और छोटा वाला नीचे लिख दो ज़ीरो कितना सॉरी ये इधर पहले आएगा आपका ज़ीरो ज़ीरो जीरो वन ये आएगा जीरो पॉइंट ज़ीरो जीरो वन जीरो जीरो वन टिक 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 माइनस करोगे ये आएगा नौ सौ निन्यानवे एक्स और यहाँ आएगा वन तो एक्स का बन आएगा एक बटे नौ सौ निन्यानवे समझ में आया तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है ठीक है पहले इस क्वेश्चन को लगा लेते हैं फिर क्वेश्चन को पढ़ते हैं कहे क्या रहा है जीरो पॉइंट नाइन 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 लिखा हुआ है इसको आप पी अपान क्यू के रूप में लिखिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन लंबा लिखा हुआ है बाद में पढ़ेंगे क्वेश्चन वन हो गया अब कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं एक नंबर तो किससे मल्टीप्लाई करोगे टेन से मल्टीप्लाइंग बाई टेन दस से गुणा करने पर तो क्या आएगा टेन एक्स इज इक्वल टू द्वाइंट यहाँ खिसक जाएगा आप क्या करेंगे दोनों को माइ सप्रेट कर दो समीकरण एक और दो को घटाने पर सप्ट्रैक्टिंग इक्वेशन वन एंड टू हिंदी वाले कहेंगे अंग्रेजी में ज्यादा लिखते हैं बड़े अंग्रेज आए तो हमने हिंदी पहले लिख दिया क्या तरीका होता है टेन एक्स इज इक्वल टू नाइन पॉइंट नाइन 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 टिक 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 एक्स इज इक्वल टू जीरो पॉइंट नाइन 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 टिक 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 यहां पर आएगा नाइन एक्स बराबर नाइन एक्स मान आएगा नाइन बटे नाइन एक्स मान आएगा वन क्या ये वन है जी नहीं ये वन तो नहीं है लेकिन इसकी वन आ रही है अगर वन है तो वन को पॉइंट में कैसे लिखा जा सकता है क्वेश्चन कह रहा है कि आर यू सरप्राइज बाई योर आंसर विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस क्वेश्चन कह रहा है क्या आप इस उत्तर को देख के आश्चर्यचकित हो गए अपने अध्यापक और कक्षा सहयोगियों से उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए चले चर्चा करते चर्चा ये है कि भैया जब ये पॉइंट है ही नहीं भाई अभी इसके पहले क्या हो रहा था कि दस बटे तीन आ रहा था ना इसीलिए तो थ्री पॉइंट थ्री थी निकाता लेकिन भैया ये तो वन ही आ रहा है और वन जब आ रहा है अपान में कुछ है नहीं तो इसको डिवाइड कैसे करें जब डिवाइड करेंगे नहीं तो पॉइंट में आंसर क्या आ रहा तो ये कह रहे हैं देखो भैया ऐसा है ये तो वन है और ये वन नहीं है तो ये कहते हैं ये अप्रॉक्सीमेट वन की वैल्यू है बताए ये जो इसकी वैल्यू होती है ना वो लगभग एक के बराबर आएगी तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स जो है ना अप्रोक्सीमेट इक्वल टू वन है लगभग वन के बराबर है एग्जैक्ट वन नहीं है ये भाई पॉइंट नाइन नाइन जब राउंड अप करते हैं आप आंसर को जब आप पूर्ण उसमें करते हैं तो लगभग एक बढ़ा देते हैं ना एक संख्या तो अगर इस नौ को आप एक मान के इसे जोड़ोगे दस आ जाएगा ना तो वन आ गई वैल्यू तो आप लिखेंगे इसकी वैल्यू लगभग एक आएगी ठीक है तो ये इसकी चर्चा हुई क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत लंबा है डिवाइड भी बहुत लंबा होगा क्वेश्चन देखने में छोटा है क्वेश्चन कह कर रहा है कि व्हाट कैन बी मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन एक्सपेंसन 17 परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर 1 बटे के दशमलव प्रसार के अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है कह ये रहे हैं कि अगर रिपीट हो रहे हैं तो कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं तो देखो भैया डिवाइड लंबा है इसलिए यहीं से शुरू करते हैं सत्रह को हम डिवाइड करते हैं वन से ठीक है सत्रह से डिवाइड करते हैं वन को तो डिवाइड आपको आता है ठीक है डिवाइड हम यहाँ ऊपर यही लिख देते हैं क्या तरीका होता है जीरो पॉइंट पॉइंट लगा के एक जीरो खिलाया अभी तो जाएगा नहीं सत्रह से फिर क्या करते हैं एक जीरो और खिलाया फिर जीरो आ गया कितने बार जाएगा सत्रह की टेबल आती है सत्रह तो इक्यावन सत्रह जो को अर्सा सत्रह पाँच पचासी पाँच बार जाएगा ना तो यहाँ पर पचासी आ जाएगा और ये आएगा पंद्रह अगर आपको टेबल ना आती हो तो मल्टीप्लाई करके कहीं लिख लीजिएगा ठीक है फिर आप एक जीरो खिलाइए सत्रह की टेबल पढ़िए कि एक सौ पचास से ज़्यादा ना हो तो कितनी बार जाएगा देखिए ये आठ बार जाएगा है ना आठ सत्य छप्पन और आठ एकम आठ पाँच तेरह ठीक है अब आप कर लीजिएगा सत्ता सत्रह सत्रह छः एक सौ दो सत्रह सत्ते एक सौ नहीं सत्रह एक सौ छत्तीस सत्रह नहीं हम एक सौ तिरपन सत्रह दा का एक सौ सत्तर सत्रह टेबल है टेबल हमको आती है ठीक है।, है तो जब माइनस करोगे तो दस में छः गया चार और यहाँ पर बचेगा आपका चार में तीन गया एक फिर जीरो खिल गया आप कितनी बार जाएगा सत्रह तो इक्यावन सत्रह तो अड़सठ सत्रह बाद चौरासी सत्रह छः का एक सौ दो आठ बार फिर जाएगा सत्रह एक सौ छत्तीस फिर आएगा एक सौ छत्तीस यहाँ क्या चार दस में छह गया चार यहाँ तो जीरो कट जाएगा एक जीरो और खिलाएंगे सत्ताधुनी चौंतीस सत्रह धुनी चौंतीस कब तक भाग करेंगे पता नहीं कब तक भाग करेंगे ये कह रहे हैं कि नंबर कितने रिपीट हो रहे हैं तो रिपीट तो होगा कभी ना कभी चल के अब कब होगा हमको नहीं मालूम तो कितना आएगा ये छ बचेगा जीरो खिला देंगे अब सत्रह का टेबल पढ़िए कि छह से मतलब साठ से ज्यादा रहो सत्रह तो इक्यावन आएगा सत्ताधुनी चौंतीस सत्रह तेई इक्यावन इक्यावन आएगा यहाँ नौ बचेगा फिर जीरो खिला दीजिए अब सत्रह की टेबल पढ़िए कि नब्बे से ज्यादा ना हो सत्रह पचे पचासी होता है सत्रह पचे पचासी होता है यहाँ पाँच बचेगा फिर जीरो खिला दीजिए सत्रह की टेबल पढ़िए कि पचास से ज्यादा ना हो सत्रह दुनी चौंतीस सत्रह तो इक्यावन सत्रह दुनी चौंतीस आएगा कितना बचेगा यहाँ सोलह बचेगा तो जीरो आएगा सत्रह की टेबिल पढ़िए एक सौ साठ साठ से ज्यादा न हो सत्रह <स्था> तक क्या हो सत्रह नियम एक सौ तिरपन सत्रह नियम एक सौ तिरपन सात बचेगा अभी सात को आगे तो जगह है नहीं तो सात को यहाँ लिख देते हैं हम है ना फिर जीरो खिलाएंगे सत्रह खिल पढ़िए सत्तर से ज़्यादा ना हो सत्रह तक क्या हो सत्रह चौको अड़सठ सत्रह चौको अड़सठ अड़सठ दो सत्तर बीस आएगा सत्रह एकम एक सत्रह बोलिए दादा कब तक डिवाइड करोगे बाबू जी ये कह रहे हैं नंबर रिपीट हो जाए तब यानी रिपीट तो होगा पता नहीं कितने बार होगा ये बचेगा तीन तीस सत्रह दूनी चौंतीस सत्रह इक्म सत्रह कितना बचेगा तेरह तीस सत्रह की टेल्ट पढ़िए एक सौ तीस से ज़्यादा ना हो सत्रह तरह इक्यावन सत्रह सौ चौसठ सत्रह पाँच पचासी सत्रह छ का एक सौ दो सत्रह सत्ते एक सौ उन्नीस सत्रह सत्ते एक सौ उन्नीस यहाँ कितना बचेगा यहाँ बचेगा ग्यारह एक जीरो और बढ़ाइए सत्रह की डेट पढ़िए कि एक सौ दस से ज्यादा ना हो तो सत्रह तक सत्रह छः का एक सौ दो सत्रह सत्रह छः का एक सौ दो एक सौ दो आएगा यहाँ कितना बचेगा आठ बचेगा यहाँ अस्सी हो गया सत्रह की डेट पढ़िए अस्सी ज्यादा ना हो सो सत्रह चौको अड़सठ सत्रह सत्रह चौको अड़सठ अड़सठ कितना बचेगा अड़सठ दो यहाँ आएगा ये बचेगा बारह जीरो खिला दीजिए सत्रह का पढ़ा पढ़िए तो सत सत्ते एक सौ उन्नीस बचेगा एक देखो फिर एक आ गया एक से ही स्टार्ट किया था एक आ गया यानी कि इतने नंबर रिपीट होंगे ये भाई साहब रिपीट हो रहे हैं आपसे कह रहे हैं कितने ब्लॉक्स रिपीट हो रहे हैं तो गिन लो एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सिक्सटीन ब्लॉक्स आप लिखेंगे कि सिक्सटीन ब्लॉक्स रिपीटिंग सिक्सटीन ब्लॉक्स रिपीटिंग 16 खंड रिपीटिंग मतलब क्या लिखा है पुनरावृत्ति की पुनरावृत्ति हो रही है की पुनरावृत्ति हो रही है समझ में आई बात नहीं आई अब आपने कहा आपको कैसे मालूम क्वेश्चन दिया ना रिपीट करेगा तो कब करेगा हमको नहीं मालूम ये हम डिवाइड करके लिखते तो आपको समझाने में बहुत टाइम लगता तो हमने कहा आपके सामने ही डिवाइड कर देते हैं ठीक है तो ये क्वेश्चन नंबर पांचवा है क्वेश्चन छ का क्वेश्चन <coughs> छः so, की का नहीं की थ्योरी थोड़ा सा बड़ी लड़ा लंबा क्वेश्चन दिया हुआ है मैं पहले इंग्लिश में पढ़ता हूं लुक द सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ पी एप क्यू ठीक है लुक नहीं होगा टुक होगा टू को देख लीजिए किताब मैंने नोट किया है यानी कि बहुत सारे आप लीजिए या देखिए लुक हो सकता है देखिए जो पी अपान क्यू के रूप में लिखे हूं कॉमन फैक्टर्स अदर देन यानी पी और पीएपान क्यू लिखते हैं तो उसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए यानी जैसे दो बटे तीन लिखा है इसमें कोई कॉमन नहीं है कोई ऐसा नंबर नहीं जो दोनों को काट दे एक के अलावा कोई और नहीं काट सकता ठीक है पी अपान क्यू

मतलब उसका शेषफल जीरो हो जाए तो कहते हैं पीए पान क्यू के रूप में परमेय संख्याओं को अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ पी और क्यू पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणखंड नहीं है और जिनका समस्त दशमलव निरूपण है शांत दशमलव सॉरी शांत दशमलव निरूपण है क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्यू को कौन कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए जरा समझने की कोशिश करो ये कह रहे हैं कि आप कुछ एग्जाम्पल्स लो पी अपान क्यों के उन्हें डिवाइड करो और डिवाइड करने पर नंबर ऐसा आ जाए कि पॉइंट हट जाए मतलब सॉरी मतलब रिमाइंडर जीरो हो जाए मतलब पूरा का, पूरा का पूरा कट जाए ठीक मैं कुछ एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ अगर मैं दो बटे पाँच लेता हूँ अब आप मैं ऐसा क्यों ले रहा हूँ उसको मालूम ऐसा क्यों क्या लेना है दो बटे पाँच ले लूँ तो ये जीरो पॉइंट पाँच चौकों बीस हो जाएगा अगर मैं तीन बटे दो ले लूं तो ये वन पॉइंट फाइव आ जाएगा ठीक है अगर मैं सात बटे पाँच ले लूं तो पाँच एकम पाँच चौकोबीस एक पॉइंट चार हो जाएगा अगर मैं ग्यारह बटे बीस ले, ले लेता हूं तो क्या हो जाएगा ये ग्यारह को बीस से भाग करोगे पॉइंट आएगा ज़ीरो आएगा बीस चौको सौ बीस पंचे सौ एक आए जीरो आएगा दस बीस जीरो चार पांच एग्जांपल ले लिए आप कोई भी ले सकते हैं पहले समझने की कोशिश करो अच्छा, ले जो पी अपन क्यू है ना क्यू के क्यू बोले तो नीचे वाला जो नंबर है क्यू के फैक्टर करिए क्यू के गुणनखंड करिए अगर क्यू के फैक्टर दो और पाँच के अलावा कोई भी नहीं होने चाहिए नहीं समझे अगर आप यहाँ पर फाइव के फैक्टर करोगे तो फाइव आएगा टू के करोगे तो टू आएगा ट्वेंटी के करोगे तो टू टू या फोर फाइव आएगा मतलब अगर कोई नंबर पी अपान क्यू के फार्म में लिखा हुआ है और नीचे जो भी नंबर है उसका फैक्टर टू और फाइव के अलावा कुछ भी नहीं है केवल टू और फाइव है तो वो आए चाहे इतनी बार टू तीन बार आए पाँच दस बार आए लेकिन दो और पाँच के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए यानी क्यू हैज आप लिखेंगे हियर क्यू हैज द फैक्टर्स ओनली टू एंड फाइव यानि क्यू केवल के दो और पाँच के रूप में गुणनखंड होंगे के रूप में गुड़न खंड होंगे यानी दो की पावर कुछ भी हो सकती है टू की पावर एम हो सकती है दो तीन बार आ सकता है पाँच चार बार आ सकता है लेकिन दो और पाँच के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए ठीक है अगर ऐसा नंबर है तो बिना डिवाइड किए हम पहचान जाएंगे कि ये पूरा का पूरा कट जाएगा कभी कभी आता है कि आपको डिवाइड नहीं करना है टेंथ में आप पढ़ेंगे कि आपको डिवाइड नहीं करना बिना डिवाइड किए बताओ ये नंबर कटेगा नहीं कटेगा तो हम नीचे वाले के गुणनखंड कर लेते हैं फैक्टर कर लेते हैं अगर वो फैक्टर टू और फाइव के अलावा कुछ भी नहीं है तो आप कहेंगे पूरा पूरा कट जाएगा ठीक है तो ये क्वेश्चन नंबर था क्वेश्चन सेवन कह रहा है कि ऐसी तीन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हैं फाइन थ्री नंबर्स विच आर नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग मतलब रिपीट भी ना हो खत्म भी ना हो आपकी जो मर्जी हो लिख दो जो मर्जी हो जीरो पॉइंट वन वन जीरो वन 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 जीरो 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 वन वन जीरो वन 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 जीरो जीरो वन वन जो बन हो लिखो थो। थोड़ा चेंज कर दो बस जीरो पॉइंट वन जीरो वन वन जीरो जीरो वन जीरो जीरो वन 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 जीरो 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 वन और चेंज कर दो जीरो पॉइंट जीरो वन वन जीरो 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 वन 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 जीरो 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 कुछ भी लिख दो जरूरी नहीं कि आंसर हमारा बुक से मैच करे मतलब एक तो रिपीट नहीं होना चाहिए कहाँ रिपीट हो रहा है कहीं दो बार आ रहा है कहीं तीन बार आ रहा है कहीं एक ही जीरो आ रहा है कहीं दो जीरो आ रहा और कभी खत्म भी नहीं हो रहा है यही आपसे एग्जाम्पल वो चाहते थे कोई भी आप नंबर लिख सकते हैं ठीक है देखिए दो नंबर दिए हैं एक फाइव बाई सेवन लिखा हुआ है तो फाइव बाई सेवन आप जानते हैं पॉइंट सेवन वन फोर टू एट फाइव रिपीट होता है पीछे आया था एग्जाम्पल डिवाइड करके देख लीजिएगा पीछे एक ये क्वेश्चन देखिएगा आप जहाँ वन बाई सेवन था ना और उसकी वैल्यू में फाइव से मल्टीप्लाई किया था तो ये आंसर आया था लेकिन यहाँ आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा तो इसको डिवाइड किया तो यह आपका पॉइंट सेवन वन फोर टू एट फाइव रिपीट होगा मतलब बार बार रिपीट होगा यानी इसके बाद फिर रिपीट हो गया सेवन वन फोर टू एट फाइव ऐसे रिपीट होगा और नाइन बाई इलेवन है पॉइंट एट वन एट वन करके होगा तो ये कह रहे हैं कि इनके बीच में तीन संख्याएँ दिखाइए जो इरेशनल है अपर मतलब आपको अपर मतलब इ मतलब जिसको कंप्लीटली डेसिमल कभी खत्म ना हो जिसका अब रूट में तो लिख नहीं सकते हैं तो एक ऐसा नंबर उठाओ जो प्वाइंट सेवन वन से बड़ा हो और प्वाइंट एट वन से छोटा हो कुछ भी लिख दो देखो जीरो पॉइंट सेवन वन सिक्स लिख दिया देखो सेवन वन सिक्स इससे बड़ा हो गया सेवन वन फोर है ना और एक जीरो पॉइंट सेवन वन सेवन लिख दिया अब देखो इससे वही बड़ा है और पॉइंट एट वन से छोटा है और जीरो पॉइंट सेवन वन एट लिख दिया सेवन वन एट भी इससे बड़ा है इससे छोटा है और इसके बाद जीरो वन जीरो जीरो वन ज़ीरो जीरो जीरो वन जीरो 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 वन 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 जीरो जो मनो लिखो जीरो वन जीरो 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 वन 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 जीरो 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 टिंग जीरो जीरो वन 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 जीरो 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 वन 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 जीरो 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 टिंग कुछ भी लिख दो आंसर मैच नहीं करेगा बुक से वो अपने हिसाब से लगाएंगे क्योंकि इसके बीच में अरबों नंबर होंगे उसमें से तीन हमने सेलेक्ट किए हैं ठीक है तो इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं तो ये क्वेश्चन नंबर एट हो गया ठीक है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ नंबर्स लिखे हैं और उसमें बताना है कि कौन सी संख्याएं परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है कौन सी आपकी रेशनल है कौन सी इरेशनल है पीछे बताया जा चुका है जिनको पी अपान क्यू के रूप में लिखा जा सकता है वो रेशनल है परिमेय है अब रूट ट्वेंटी थ्री देखो रूट अगर पूरा का पूरा आ जाए फैक्टर मेथड से रूट खत्म हो जाए जैसे रूट चार है तो रूट फोर को रूट टू इंटू टू लिख करके और एक टू बाहर आ जाएगा रूट खत्म रूट खत्म तो कैसी संख्या परिमेय होती है रेशनल होती है तो रूट ट्वेंटी थ्री पहले रूट निकाल लिया जाए अब क्योंकि ट्वेंटी थ्री के फैक्टर तो होते नहीं तो रूट निकालने की कोशिश करते हैं डिवीजन मेथड से ट्वेंटी थ्री का निकालना आपको आता है ना इसके पेयर बनाते हैं याद करिए आप फिर आप कितने वाले जाएँगे चार चौक सोलह पचम पच्चीस ऐसे लिखते हैं लिखते हैं ना फोर फोर जा सिक्सटीन फिर ये फोर इसके नीचे लिखते हैं याद करिए डिवीजन मेथड से रूट निकालना सीखा है आपने चार चार आठ हो जाएगा और इसमें कितना आएगा तेरह में छः गया आ, कितना आएगा तेरह में छः गया सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह सात आएगा तो ये सात हुआ फिर आठ सात छः तेरह हाँ ठीक है फिर पॉइंट खिलाएँगे पॉइंट खिला के यहाँ पर दो जीरो आप बढ़ा सकते हैं आपको याद करो रूट जब निकालते थे तो पॉइंट के बाद दो जीरो बढ़ाने की आपको छूट थी फिर कितनी बार ले जाएंगे इसको सात बार ले जाओ सात यहाँ लिखेंगे सात सत्य उनचास और हाथ या चार सतवर छप्पन छप्पन चार साठ फिर इस सात को इसके नीचे लिखते थे याद करिएगा ये पीछे ये हम पढ़ाने नहीं जा रहे हो बताए देना कैसे निकाला जाएगा सात उन्नीस चौदह आठ एक नौ इसमें दस में नौ गया एक यहाँ पे नौ बचेगा नौ इक्यानवे आएगा फिर दो जीरो आप बढ़ा दीजिएगा अब देखो चौरानवे आए दस बार तो जा नहीं सकता यानी नौ बार जा सकता है इसको नौ बार ले जाएंगे यहाँ नौ लिखेंगे इस प्रकार से निकालते जाएंगे तो आएगा फोर पॉइंट सेवन नाइन और इसके बाद ही संख्याएं निकलेंगी यानी कि अभी भी खत्म नहीं होने वाला है इसको नौ बार ले जाएंगे तो पचासी सौ इकतालीस आया है पचासी सौ इकतालीस आएगा आगे भी संख्याएं बढ़ेंगी नौ को यहाँ लिखेंगे फिर इसको जोड़ते हैं नौ दिन अट्ठारह चार एक पाँच नौ इसमें आएगा दस में एक गया नौ यहाँ नौ में चार गया पाँच यहाँ में दस में पाँच गया पाँच फिर जीरो बढ़ाएंगे तो ये कभी संख्या ख़त्म नहीं होने वाली है तो ये कैसी संख्या है ये आपकी अपरिमेय है अपरिमेय संख्या है यानी ये ए नंबर है अब मैं हिंदी में पहले लिख रहा हूँ इंग्लिश में बात लिख रहा हूँ सबको रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी ना दूसरा नंबर क्या कह रहा है कह रहा है रूड टू टू ट्वेंटी फाइव रूड टू ट्वेंटी फाइव अब इसको निकालने की कोशिश करिए देखिए अगर फैक्टर हो जाते हैं गुणनखंड हो जाते हैं तो अच्छी बात है आप जानते हैं टू ट्वेंटी फाइव को पहले तीन से काटो तीन सत इक्कीस तीस पच पंद्रह फिर तीन से काटो तीन दोनों छः तीस पंद्रह फिर पाँच से काटो पचम पच्चीस फिर पाँच से काटो एक तो इसको क्या ले सकते हैं अंडरवुड थ्री इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू फाइव दो दो के जोड़े में से एक नंबर निकालते हैं ना तो दो तीन में से एक तीन बाहर दो पांच में से एक पांच बाहर पंद्रह आ गया अब बताओ तो पूरा का पूरा बाहर निकल आया ना नंबर तो पंद्रह बटे एक लिखा जा सकता है ना तो पंद्रह भी इंटीजर वन भी इंटीजर तो नंबर कैसा होगा ये रेशनल नंबर होगा अब मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ ये परमे संख्या है परमिया परमे आप, आप पढ़ चुके हैं इसलिए उसको ध्यान से जरूर देख लीजिएगा ठीक है अब देखिए पॉइंट थ्री सेवन नाइन सिक्स तो पॉइंट हटा सकते हो ना आप

सेवन पॉइंट फोर सेवन एट बार जब आप टर्मिनेटिंग डेसिमल होता था सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग आवर्ती तो ये आप जानते हैं रेशनल नंबर होता है इसको पीएपान क्यू के रूप में लिखा जा सकता है याद करिए आप अभी पढ़ाया जा चुका है याद है ना आपको कि भाई ये फोर सेवन एट फोर सेवन एट रिपीट करेगा इसको वन थाउजेंड से गुणा करके जब माइनस करते थे तो यह रेशनल होगा ठीक है और फिफ्थ पार्ट आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है फिफ्थ पार्ट में क्या लिखा है ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो ये इरेशनल होगा हुआ होगा देख लीजिएगा क्या लिखा है नंबर इरेशनल या आपर तो इस प्रकार से ये एक्सरसाइज खत्म कर दी हमने और मेरे हिसाब से इजी तो थी लेकिन हाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ ठीक ठाक क्वेश्चन ज़्यादा थे इसमें ठीक है आपके हिसाब से दो दो तीन तीन लगाने की आप ज्यादा थे इसको लगा लीजिएगा इसके बाद नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट एक्सरसाईज तब तक गुड नाईट